नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सुख समृद्धि विज्ञान अनुसंधान केंद्र के इस चैनल सुख समृद्धि विज्ञान में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, जब से ये चैनल मैंने शुरुआत की थी तब से लेकर के मेरा अभी तक यही उद्देश्य रहा है कि हम ऐसी जानकारी दें जो कि यूनिक हो और जिन जानकारियों को जल्दी जल्दी आपके सामने आने नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस चैनल की शुरुआत हुई थी और मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों ने इस चैनल को पसंद किया और ये चैनल आप लोगों के काम आ रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वायदा किया था कि मैं आप लोगों को साधनाओं के क्षेत्र में जानकारी देने का प्रयास करूंगा और मैं वो जानकारियां दे भी रहा हूं। अभी मैंने कुछ वीडियोस में आप लोगों को योग के बारे में बताया और प्राणायाम और इसके अलावा कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया तथा आसन के बारे में बताया। मित्रों, जब आसन सिद्ध हो जाता है तो अपने आप आपकी कुंडलिनी या जो भी शक्ति है आप में निवास करने लगती है। आसन सिद्ध करने का तरीका यही है कि निश्चेष्ट हो करके ऐसे बैठा जाता है कि शरीर हिले ना, शरीर का एक भी अंग हिलना नहीं चाहिए, सभी आसन सिद्ध माना जा सकता है। इसके बाद मैंने बताया था कि आप लोगों को पूजा के लिए कम से कम 1 इंच मोटे ऊन के आसन का प्रयोग करना चाहिए और वो आसन कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर किसी भी तरीके से आप उससे लुढ़क भी जाएं तो जमीन से आपका स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमीन का स्पर्श होते ही आप में वो संचित शक्ति अपने आप जमीन में चली जाएगी और आपके उस कुछ करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो कम से कम जब आसन में आप बैठे हों और जब आसन को छोड़ें तो कम से कम 15-20 मिनट तक उसी आसन पर बैठ करके सामान्य भाव से समय गुजारना चाहिए, जिससे कि वो शक्ति आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो सके और शरीर उस शक्ति को अपने आप में स्वांगीकरण कर सके। तत्पश्चात ही आपको वहां से उठना चाहिए, क्योंकि अगर पहले से उठते हैं तो जो भी आपने किया है, जितना टाइम बेकार किया है, वो टाइम भी बेकार चला जाएगा और आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मित्रों, ये हुआ आसन सिद्ध करने की बात। अब कोई साधना करनी है तो पहले सुरक्षा घेरा लगाते हैं, तो वो हनुमान जी का सुरक्षा घेरा कोई लगाता है, तो कोई माँ काली का लगाता है, कोई भैरव जी का लगाता है। इस प्रकार से सुरक्षा घेरा लगा लिए जाते हैं और इसके बाद में साधन किया जाता है। साधन के पहले मित्रों बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि लोग साधना तो करने लगते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बैठ गए लेकर के माला और साधना करने लगे। कहीं आप मृत मंत्र का जप तो नहीं कर रहे? कहने का मतलब कि जिस मंत्र को बार बार जपने से भी उसकी फल की प्राप्ति न हो तो उसको मृत मंत्र कहते हैं। और ज्यादातर लोग इन अगर हम इस प्रकार से अगर 1 लाख क्या 10 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ भी जप कर डालें, उनका कोई फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उस मंत्र में कोई जान ही नहीं होती है। मंत्र सही व्यक्ति से न लिया गया हो, सही विधि से न लिया गया हो, सही मुहूर्त पर न लिया गया हो और अशुद्ध मंत्र लिया गया हो, या फिर सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडलिनी से, आपकी कुंडली से आपके मंत्र का वैर भाव हो, तो भी मंत्र आपको सफल नहीं होगा। तो कुंडली से अगर मंत्र का वैर भाव होगा तो मंत्र आपके लिए मृत ही रहेगा, और अगर वो जग भी गया तो आपका अनिष्ट ही कर सकता है। तो पहले तो शोधवा लेना चाहिए आपकी जन्म राशि से, और अगर जन्म की राशि ना आपकी हो तो फिर अंक ज्योतिष से, और इसके अलावा हस्तरेखा शास्त्र से इत्यादि से भी, या आपके गुणकर्म स्वभाव से भी इसकी जांच की जा सकती है। तो कुंडली से मेल खाते हुए मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद उसके होते हैं कई संस्कार।
तो मंत्र के सारे संस्कार करने चाहिए। और भगवान आशुतोष, भगवान शिव ने कलयुग को देखते हुए सारे मंत्रों को कीलित कर दिया था, तो जब तक उन मंत्रों को उत्कीलित नहीं करेंगे तब तक मंत्र कार्य नहीं करते, क्योंकि मंत्र एक अस्त्र की तरीके से होते हैं। जब उन अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है तो उनका प्रशिक्षण भी होना चाहिए। हर ऐरे गहरे को ऐसे मंत्र नहीं दिए जा सकते, लेकिन आजकल तो धंधा चल निकला है, सब कुछ बिक रहा है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हम कठिन परीक्षा भी लेंगे और परीक्षा के बाद ही किसी को कुछ बताएंगे, और ऐसे बताएंगे कि वो ना तो अपना नुकसान कर सके और ना ही वो किसी दूसरे का नुकसान कर सके। अगर आपको सुख से जीने का अधिकार है तो सुख से जीने का अधिकार सभी को है, मेरा तो ऐसा मानना है। तो इस प्रकार से साधना की शुरुआत की जानी चाहिए। आज मैं प्रथम बार एक साधना विधिवत आपको उसके बारे में बता रहा हूं, और वो साधना अगर पहले से, चूंकि हर काम विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी के ही आदेश से होता है, तो पहले श्री गणेश जी की ही साधना क्यों न की जाए। तो गणेश जी के कई स्वरूप हैं, अगर सिंदूरी लाल रूप में उनका स्मरण करेंगे तो दूसरा फल होगा, हरे रूप में करेंगे दूसरा फल होगा, पीले रूप में करेंगे दूसरा फल होगा। इस प्रकार से श्री गणेश जी के कई स्वरूपों की पूजा की मान्यता है। सामान्यता है जो मंत्र चलता है गणेश जी के पूजन में, वह लगभग 7 अक्षरों का मंत्र होता है, और हम आप लोगों को मंत्र की मर्यादा बता रहे हैं कि मंत्र ऐसे ही YouTube पर या टेलीविजन पर या वैसे नहीं दिए जा सकते, ये गोपनीय होते हैं। अगर ये ऐसे ही बताए गए तो ये मंत्र अपनी शक्ति को खो देते हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता और वो मंत्र बिल्कुल मृत से होते हैं। फिर उनको चाहे कितना ही जप लिया जाए, फिर कितना ही विधि विधान से किया जाए, हो सकता है कि जो मंत्र आपको दिया जाए वो मंत्र आपने जीवन में कई बार सुना हो और कई हजार बार उसको जपा भी हो, लेकिन जब आपको कोई गुरु, कोई मंत्र योग्य गुरु देता है तो उसमें अपनी प्राणस चेतना और अपने तपस्यांश का कुछ भाग आपको प्रदान करता है, और वो संप्रक्त करता है आपसे उस मंत्र को। ये क्रिया गोपनीय होती है, दुरूह होती है, और सबको इसका ज्ञान नहीं होता है। तो जब तक ये क्रिया नहीं की जाती है मंत्र का कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। यह मंत्र साधना करके लोग पागल होते हुए भी देखे गए हैं, मंत्र साधना करने के बाद लोगों को विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करते हुए देखा गया है। तो अगर पूरी सावधानी से अगर इसको नहीं किया जाएगा तो उससे अच्छा है कि उसको किया ही न जाए, मेरा तो ऐसा ही मानना है। तो सर्वप्रथम हम गणेश की स्तुति करते हैं आसन पर बैठ करके, और उसमें श्री गणेश जी के श्री महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गज कर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्न नाशो विनायकः धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादश इतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकट चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबर धर देव शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायत सर्विघ्नोपशांते। इसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए हाथ जोड़ करके, हे गणेश गणपति महाराज, आप सर्व सिद्धि सदन हैं, इसलिए आप मेरे इस पूजन में मुझे सिद्धि प्रदान कराएं, आपकी जय हो जय हो जय हो। इसके बाद में श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं आप, चूंकि माता लक्ष्मी भगवान गणेश की माँ के स्वरूप में है, जो माँ लक्ष्मी के पास जो गणेश होते हैं वो पूर्णानंद गणेश के रूप में विराजमान होते हैं, और
तो उस समय माँ लक्ष्मी की अगर प्रशंसा करेंगे, माँ लक्ष्मी के मंत्र का स्तोत्र का जप करेंगे, तो अवश्य ही भगवान गणेश को भी प्रसन्न करेंगे आप। तो श्री सूक्त को मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप इसको दत्तचित्र होकर के, एकाग्रचित्त होकर के सुने और इसको हृदयंगम करें। ओम स्वर्ण वर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजत सृजाम। इसके पहले कहते हैं श्री अथ श्री सूक्तम। तम श्री रूपेन्द्र सदने मदन एक माता ज्योत्स्नासि चंद्रमसि चंद्र मनोहराच्ये सूर्य प्रभाषित जगत्रि तथे प्रभासे लक्ष्मी प्रसीद सततम नमताम शरण्ये तम जात वेदसि सदा दहनात्मशक्तिर् वेधा त्वया जगदिदं विविधं विदध्यात् विश्वंभरो अपि विभ्रयादखिलं भवत्या लक्ष्मी प्रदीद सततम नमताम शरण्ये ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यं विन्देयम् गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपवहे श्रीरमादेवीजुषतां कांसुस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपवहे श्रियम् चंद्रां प्रभाषां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां लोमि आदित्यवर्णो तपसो अधिजातो वनस्पतिस्तो वृक्षो अथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायातरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपयतु माम् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतः सुराष्ट्रियस्मिन् कीर्तिम् वृद्धिम् ददातु मे क्षुत्पिपाशामला ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिम् च सर्वानिर्लुद् मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् त्वामिहोपवहे श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयताम्यसः कर्दमेन प्रजाभूता मयि शम्भव कर्दम श्रियं वाचे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्कितवश मे गृहे निच देवी मातरम् श्रियं वाशे मे कुले आर्द्राम्यः करुणीम् यष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्यमयीम् लक्ष्मीम् जात वेदो म आवह आर्द्राम्यः करुणीम् यष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् यस्याम् हिरण्यमयीम् लक्ष्मीम् जात वेदो म आवह तामावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्यो अश्वानि विन्देयम् पुरुषानहम्। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से श्री सूक्त का पाठ करने के उपरांत इसके बाद आता है सबसे बड़ा काम आपको श्री सरस्वती माँ का। सरस्वती माँ की आराधना कैसे करनी है हमको बेटा? या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्माशना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदाम जाड्यांधकारापहम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासने संस्थिताम वंदेताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धिम प्रदाम सारदाम। इसके बाद
जैसे भी आप चाहें तो उनको कुमकुम लगाएंगे और कुछ प्रसाद अर्पित कर सकते हैं और दीपक लगाएंगे, दीपक से आरती आप उनके ऊपर फिराएंगे। और अगरबत्ती नहीं लगानी है आपको, उसकी जगह धूप बत्ती लगानी है या आग में धूप डाल दें, गोबर के उपलों में जो कंडा होता है ना उसमें आप डाल दें। और वहां पर थोड़ा सा कपूर भी आपको जलाना है और इसके साथ ही साथ श्री गणेश जी को लाल पुष्प प्रिय हैं तो उनको लाल पुष्पों का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा श्री गणेश भगवान को कभी तुलसी का भोग नहीं लगाना चाहिए, उनको लड्डू मोदक प्रिय हैं अर्थात लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, पीले लड्डू होने चाहिए। और माता सरस्वती के लिए भी पीले पुष्प उनको अति प्रिय हैं। और इसके बाद में रक्त चंदन की माला ले करके गणेश के मंत्र का आप जप करेंगे। इसके पहले आप यज्ञोपवीत धारण कर लेंगे, ये चोटी में गांठ लगा लेंगे। और यज्ञोपवीत धारण कैसे करेंगे तो यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र बताता हूँ, विनियोग करेंगे। ओम असे यज्ञो, हाथ में जल ले लेंगे। ओम असे यज्ञोपवीत मंत्र से परमेष्ठी ऋषि लिंगोक्ता देवता त्रिष्टुप छंदा श्री यज्ञोपवीत धारणे विनियोगा, पानी धरती में छोड़ देंगे। इसके बाद में यज्ञोपवीत को हाथ में लेंगे आप ऐसे करके, ये जो मैं उंगली दिखा रहा हूँ ऐसे, इसके बीच में धागा यहाँ पर होना चाहिए और ये दूसरे हाथ में भी दो उंगलियां ऐसे करके यहाँ धागा ऐसे फंसा करके, चूंकि मैं फोन पकड़े हुए हूँ इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, ऐसे आप लेंगे और आमने सामने करके ऊपर की ओर सूर्य की ओर देखते हुए, सूर्य ना हो तो कल्पना कर लें कि सामने सूर्य हैं। और इसके बाद में ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्य सहजम पुरस्तात आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञोपवीतेनो परिहाम, ऐसा करके फिर बाएं कंधे पर जनेऊ करके और दाहिने कमर तक जनेऊ ऐसे उसको डाल लेना चाहिए। और ध्यान रहे कि जनेऊ के नियम होते हैं कुछ, वो किसी से भी आप पूछ लेंगे आपको पता होगा, उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। और यज्ञोपवीत धारण करना ब्रह्मचर्य को धारण करने के जैसा है, यज्ञोपवीत धारण किए घूम रहे हैं और अगर जीवन में ब्रह्म में उनका ब्रह्मचर्य नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए साधना काल में इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कुछ होती हैं आपको सावधानियां बरतनी है, जैसे आपको नाखून नहीं काटने हैं, आपको बाल नहीं कटाने हैं, आपको दाढ़ी नहीं कटवानी है और सिला हुआ वस्त्र भी उस काल में साधना काल में ना पहना जाए, स्त्री के हाथ का बना खाना ना खाएं और यथा संभव और स्त्रियों को छूने से भी बचें। अच्छा तो होगा कि उस काल में आप स्त्रियों से बात भी ना करें और पैरों में आप अगर खड़ाऊ ना पहन सकें तो कम से कम चप्पल पहने, चमड़े के प्रयोग का निषेध है। इसके बाद में साधना शुरू की जाती है तो वो साधना का मंत्र किसी शिविर में जब हम लोग मिलेंगे या आप हमारे यहाँ आ करके वैसे भी दीक्षा ले करके तब मंत्र की विधि और अपने सामने कराएंगे हम आपको सारी क्रियाएं, उसके बाद आप कहीं भी उस साधना को कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे बता दिया जाता है तो उसकी मर्यादा भंग होती है और उसका फिर पूजन का कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे करके मंत्र को अगर 125,000 बार आप जप लें, 125,000 बार जपने के बाद में उसका दशांश हवन करेंगे और हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्राह्मण या कन्या भोज करवा देंगे, इसके बाद में आपको वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई डर की बात नहीं है। भगवान श्री गणेश जी तो बहुत सौम्य देवता हैं और इनको करने से ये जीवन में धन संपत्ति घर वाहन पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति कराते हैं। और कलौ चंडी विनायकौ, इसका मतलब है कि कलयुग में चंडी अर्थात माता
और गणेश जी का बहुत ही महत्व है, कलऊ चंडी विनायको कलिकाल में इनकी कृपा से ही सब कुछ सुख प्राप्त हो सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो लंबी होने के डर से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, यथासंभव मैंने बताने का प्रयास किया है और केवल मंत्र की गोपनीयता रखी गई है, क्योंकि मंत्र तीक्ष्ण होते हैं और उनके बारे में पहले से शोध करके उनको दिया जाना न्यायोचित है। ऐसे ही मंत्र, हर मंत्र सबके लिए फायदेमंद नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँ, हर मंत्र सबके लिए फायदेमंद नहीं होता, इसलिए मंत्रों का चुनाव बड़ी सावधानी से करना पड़ता है और वो जिम्मेदारी हम बखूबी समझते हैं। आशा है कि आप भी इस बात को समझेंगे। और बाकी तो हमारा मोबाइल नंबर 9208774581 है ना, और व्हाट्सएप नंबर इसी पर है 9208774581, और यही नंबर व्हाट्सएप पर भी है, आप कॉल कर सकते हैं और बातचीत हो सकती है, कोई बात नहीं है। और इसके अलावा ये कहूँगा कि अगला प्रोग्राम जो हमारा लाइव इन होगा उसमें हम फोन का भी इस्तेमाल करेंगे, आप उस समय कॉल भी कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम हम करना चाहते हैं रविवार को 11 बजे से शुरुआत करेंगे इसकी, क्योंकि रात को ज़्यादा लोग सो जाते हैं और रात को उपस्थित नहीं रह पाते। तो मेरी तो ये आप लोगों से शिकायत कहो या जो भी कहो कि कम से कम 1000-2000 लोग तो लाइव इन कार्यक्रम को देखें ही, तभी हमें अच्छा लगेगा, आपकी जिज्ञासाओं को शांत भी करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कि जितनी ज्यादा कम्युनिटी इसमें शामिल हो और सभी को लाभ होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मित्रों, मेरी बात अगर अच्छी लगती हो तो अगर पहले आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबा दें, इसके अलावा शेयर और कमेंट करें मित्रों। और इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि बस, सब टाइम काफी हो गया है तो मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ, और ईश्वर की कृपा के लिए आपके लिए कामना करता हूँ और यही चाहता हूँ कि आप लोग सफल हों। मेरा ये कार्य जनहितार्थ और सभी के लिए है, केवल उनकी भावनाएं सही होनी चाहिए। तो जो लोग इच्छुक लोग हैं वो लोग आराम से संपर्क कर सकते हैं और कोई बाधा नहीं है, बशर्ते कि बस सिस्टमेटिक ढंग से काम होगा, अनायास कोई चीज ऐसे नहीं मिलती, सिस्टम से सारा काम होता है। तो मित्रों, अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ और मिलूंगा दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।